गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी में हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। और आज है 15 जनवरी और हम पढ़ेंगे 14 जनवरी की डेली करंट अफेयर भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना प्लस जापान की नौसेना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारतीय नौसेना के शिवालिक और कदममत और जापान की सेना के, ठीक है, जापान की सेना के जापान मैरी टाइम सेल्फी डिफरेंस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जापान मैरी टाइम सेल्फ, ठीक है, सेल्फ डिफरेंस फोर्सेस, डिफरेंस फोर्स और कौन सा इनका हीरोड, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेंगे, इन्होंने समुद्री साझेदारी की, ठीक है, भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना द्वारा समुद्री समुद्र की साझेदारी की, ठीक है, इन दोनों सेनाओं ने, ठीक है, ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ठीक है, क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ठीक है, भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना के द्वारा बताया गया है कि हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे। ठीक है, इस तरीके का इन्होंने एक बॉन्ड टाइप सा किया है। ठीक है, और क्या कि और इसके आगे ये हो गया पहला पॉइंट, भारत और श्रीलंका द्वारा क्या है, भारत और श्रीलंका द्वारा क्या किया जा रहा था, अपने घटते विदेशी भंडार, विदेशी भंडार और खाद्य आयात के लिए क्या किया, विदेशी भंडार और खाद्य आयात के लिए क्या बताया गया, इन्होंने कितना, 900 मिलियन का, 900 मिलियन अमेरिकी, ठीक है, 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या लेंगे, ये ऋण लेंगे, ठीक है, एक तरीके से ऋण लेंगे ये दोनों देश मिलकर, इसमें से 509 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण कहाँ से लेंगे, ये लेंगे एशियाई, क्या लेंगे, एशियाई समा शोधन, ठीक है, समा शोधन संघ से, ठीक है, और क्या करेंगे, 400, जो 400 मिलियन का बचा है उसका क्या करेंगे ये लोग, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका क्या करेंगे, ये मुद्रा सैप एक तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, इनका किसी भी देश से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये बॉन्ड में शामिल हो जाकर, जो 400 मिलियन का कोई भी साझेदारी करेंगे ये बॉन्ड में शामिल, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ये बॉन्ड के रूप में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को बताया है, किसने बताया है, भारत के सरकार द्वारा ने बताया और श्रीलंका की सरकार के द्वारा, कि जो हमारा विदेशी भंडार है वो कम हो रहा है इसकी, और खाद्य आयात के लिए जो हमें पैसा चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेंगे। ठीक है, जैसे 509 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एशियाई समाशोधन और संघ है और 400 मिलियन का मुद्रा सेफ, मतलब 509 मिलियन का मतलब एक तरीके से पैसा लेंगे और 400 का करेंगे बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड शामिल रहेगा इनमें। ऐसे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट, फिलीपींस की नौसेना द्वारा तटीय आधार पर, ठीक है, क्या हुआ, फिलीपींस की नौसेना द्वारा तटीय आधार पर एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का अधिग्रहण परियोजना की परिपूर्ण के लिए ब्रह्मोस एयर स्पेस प्रोजेक्ट लिमिटेड से प्रस्ताव की स्वीकृति कर लिया। ठीक है, क्या किया, फिलीपींस ने क्या किया, फिलीपींस सरकार ने क्या किया, फिलीपींस सरकार की नौसेना द्वारा, इनकी नौसेना ने,
इनकी नौसेना ने क्या किया कि अपने तटीय आधार पर, किसके तटीय, क्या तटीय आधारित एंटी सिप, एंटी सिप मिसाइल सिस्टम। क्या हुआ, ये फिलीपींस क्या चाहती है, फिलीपींस चाहती है कि इनके क्या हुआ एक एंटी सिप तटीय आधार, मतलब तट पर एक एंटी सिप मिसाइल सिस्टम लगे। ठीक है, इसके लिए क्या किया इन्होंने, एक परियोजना की एक परियोजना स्टार्ट करने के लिए इन्होंने किसके साथ, ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है, ब्रह्मो स्पेस के साथ प्राइवेट के साथ क्या की इन्होंने, एक तरीके से साझेदारी की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, साझेदारी की। ठीक है, कि मतलब आप हमारे यहाँ क्या करेंगे, ये पूरी तट पर एक मिसाइल एंटी सिप मिसाइल सिस्टम का विकसित करेंगे और उसको मतलब एक तरीके से परिपूर्ण तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए इस प्रस्ताव, यह प्रस्ताव की लागत कितनी, इस प्रस्ताव में 374.9 मिलियन डॉलर। ठीक है, 374.9 मिलियन डॉलर का क्या है, एक तरीके से प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस विकसित करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एरोस्पेस द्वारा विकसित होगा, विकसित क्या होगा, एक सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित करेगा, यह है, ये मिसाइल क्या है, यह एक सुपर सोनिक मिसाइल है जो डीआरडीओ और एम्प्री माइक्रो के बीच एक भारतीय संयुक्त रूप से उद्यम के, किस किस के द्वारा बनाई गई है, ये डीआरडीओ और रूस के एनपीओ माइनिसो स्ट्रोनो ठीक है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इस चीज को बनाया गया है, मतलब डीआरडीओ द्वारा, और डीआरडीओ जो भारत का है, रूस के एनपीओ जो माइनोसो स्ट्रोयोनिया, ठीक है, स्ट्रोनिया के द्वारा इस चीज़ को संयुक्त रूप से बनाया गया है, जिसका अब क्या करेंगे, ये फिलीपींस अपने तट पर क्या करना चाहता है, इसको लगवाना चाहता है, इसका इसने 374.9 मिलियन डॉलर का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, इसमें कितने 300.9 मिलियन का प्रस्ताव रखा है इसने। इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, त्रिनिदाता और टैगबैगो ओलंपिक में ओलंपियन, क्या नाम है इनका, डियोन
ठीक है, डीएनए लेने का क्या हो गया, निधन हो गया, या त्री त्रिनिदार और टैरो टेरोबैगो ओलंपिक द्वारा डी ऑन लैंडेड लैंडोर के द्वारा क्या हुआ, इनका जनवरी में क्या हो गया, निधन हो गया। ये ओलंपिक खिलाड़ी थे, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, 400 इन्होंने क्या किया था, 400 मीटर स्प्रेंडर, ठीक है, 400 मीटर स्प्रेंडर, दो हजार बीस के टोक्यो खेल, क्या किया इन्हें, 400 मीटर से स्प्रिंटर और 2020 के टोक्यो खेलों सहित इन्होंने तीन ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है, तीन ओलंपिक में, ठीक है, क्या है यहाँ पे, तीन ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, तीन ओलंपिक में क्या किया था, भाग लिया था इन्होंने, ठीक है, तीन ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है, और लंदन में इन्होंने क्या किया था, और लंदन में इन्होंने क्या किया था, 2012 में, 2012 में 4x400 मीटर, ठीक है, 4,400 मीटर में इन्होंने कांसा पदक जीता था, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, कांसा पदक को जीता था इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने इनके मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रचार, इन्होंने लैंडोर 2015 में 4x400 मीटर में क्या किया था, उन्होंने रजत जीता था, रजत पदक जीता था, और विश्व में इंडोर चैंपियन, इंडोर चैंपियनशिप में तीन कांसे पदक, ठीक है, तीन कांसे पदक जीते थे, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, एक तरीके से स्प्रेंडर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस तरह के कांसा रजत और तीन कांसे, किसमें, विश्व इंडोर चैंपियनशिप में इन्होंने तीन कांसे जीते, अपना उत्कृष्ट क्या किया था, प्रदर्शन किया था इन्होंने, ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे 14 जनवरी को क्या मनाया गया, 14 जनवरी को, 14 जनवरी को सशस्त्र क्या हुआ, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, ठीक है, क्या हुआ, सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया, ठीक है, इन्होंने ये क्या होता है, एक तरीके से जो सैनिक होते हैं उनकी मतलब उनकी शहीद हो जाते हैं जो सैनिक, उनके लिए इस चीज़ को मनाया जाता है, ठीक है, 2017 से, किसके 2017 से इसको हर साल मनाया जाता है, हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, इसमें दिग्गज बलिदानों के सम्मान में मनाया गया, कौन उसके दिग्गज,
सम्मान के लिए, ठीक है। और इसके पहले भारतीय कमांडर इन चीफ मार्शल आर्ट, कौन से कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल कौन थे? ये थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था एम करियप्पा, ठीक है। एम करियप्पा थे जिनको यह प्रदान की गई सेवाओं को देता है, ठीक है। क्या हुआ इनको, मतलब इस कमांडर इन चीफ के मार्शल आर्ट थे जो क्या हुआ, एक तरीके से सेवा को मान्यता देता है, ठीक है। ये मतलब इनके द्वारा जो पहले थे, जो जो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल आर्ट थे, जो पहले ये थे, इनके द्वारा मतलब इस चीज़ को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। ये कब? 14 जनवरी 1953 में रिटायर हो गए थे, ठीक है, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त हो गए इनके द्वारा, मतलब एक तरीके से क्या है, ये पहले ही होते उनके लिए, मतलब एक तरीके से इनके दिन के ऊपर इस चीज़ को मनाया जाता है, ठीक है। इनने 14 जनवरी 1953 को जो सेनार्थी हुए थे, इसी दिन के लेकर इन्होंने इसके लिए सशस्त्र पूर्व सेना दिवस के रूप में इस चीज़ को मनाने लगा, ठीक है, इस चीज़ को मनाया जाने लगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गए आज के 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था, क्योंकि ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज कुछ ज़्यादा करंट अफेयर थी नहीं, बस यही 5 पॉइंट इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।